एक बार फिर से आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ के पांच बड़े नगर निगमों रायपुर, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, चिरमिरी में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। रायपुर में एजाज ढेबर, दुर्ग में धीरज बाकलीवाल और धमतरी में विजय देवांगन, तो वहीं चिरमिरी में कंचन जायसवाल और रायगढ़ में जानकी कारजू को महापौर के तौर पर चुना गया है। रायपुर में लगातार तीसरी मरतबा कांग्रेस ने महापौर के पद पर कब्जा किया है, तो कांग्रेस के एजाज ढेबर ने बीजेपी के मृत्युंजय दुबे को हराकर यह जीत हासिल की है। चुनाव में एजाज ढेबर को 41 वोट मिले हैं, तो वहीं मृत्युंजय को 21 वोट ही प्राप्त हो पाए। कांग्रेस से 34-7 निर्दलीय पार्षदों ने एजाज ढेबर के पक्ष में वोटिंग की। एजाज ढेबर ने मुख्यमंत्री बघेल और वरिष्ठ तमाम विधायक सत्यनारायण शर्मा को जीत का श्रेय दिया है और नए महापौर एजाज ढेबर से खास बातचीत की सहयोगी सत्या राजपूत ने। एक बार फिर राजधानी रायपुर के महापौर कांग्रेस से ही बने हैं, मैं कहूंगी सर आपको इतना जनता के जो प्रतिनिधि है चुना है ना, मेरी प्राथमिकताएं मैंने पहले ही बता दिया कि रायपुर में आदमी से ज्यादा गाड़ी है, ट्रैफिक का बहुत परेशानी है, आवारा पशुओं का बहुत समस्या है, गंदा पानी के लोगों को प्रॉब्लम है, 24 घंटा लोगों को पानी मिले, ये मेरी प्राथमिकताएं रहेगी। और निश्चित तौर पर मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं कि जिस विश्वास से पार्टी ने मेरे पर भरोसा किया है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मोहन मरकाम जी ने जिस तरीके से भरोसा किया है, मैं उसमें 100% खड़ा हूं। वर्तमान में यहां पे कांग्रेस की सरकार है और आप कांग्रेस से महापौर है, कितने काम करने में आसानी होगी? देखिए काम करने की हमारे वैसे भी हमारी सरकार एक साल में आप देखेंगे तो जितना काम एक साल में हुआ वो पिछले 15 साल में नहीं हुआ, और उस काम का फायदा हमारी सरकार का फायदा माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं हम लोगों को इसका बहुत फायदा मिलेगा। आपने अभी सुना एजाज ढेबर को जो वर्तमान महापौर है, उनका कहना है कि हमने विकास के वो जो जनता आयाम रखे थे उसको हम भरपूर कोशिश करेंगे और रायपुर का विकास करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि स्वराज एक्सप्रेस ने मुहिम छेड़ा था जिसमें बताया था सबसे आगे एजाज ढेबर चल रहे हैं और आज वो विजयी हुए हैं। रायपुर से कैमरामैन श्याम के साथ सत्यराजपुर, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। रायपुर में बीजेपी नेताओं ने निर्वाचन आयोग कार्यालय के बाहर विरोध कर चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने की मांग की है। बीजेपी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कलेक्टर की जानकारी के बिना कमिश्नर ने संशोधन जारी कर दिया और साथ ही महापौर के निर्वाचन प्रक्रिया पर भी बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। धरना प्रदर्शन में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री राजेश मूणत समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चुनाव करवाने के लिए कानून के तहत नगर निगम विधेयक, नगर पालिका विधेयक 1956 है कानून, उसके अंतर्गत कलेक्टर को, रिटर्निंग अधिकारी को और पीठासीन अधिकारी को अधिकार है, परंतु रायपुर के चुनाव करवाने की जो सूचना जारी की है वो नगर निगम कमिश्नर ने की है जो कि नगर निगम स्वयं पार्टी है, तो उसके द्वारा जो सूचना जारी की गई है उसके आधार पर जो चुनाव होगा वो अवैधानिक होगा और कोर्ट के द्वारा उसको समाप्त कर दिया जाएगा, तो पूरी प्रक्रिया जो है प्रदूषित हो गई है। नगर पालिका बीजापुर में वार्ड क्रमांक 15 के पार्षदों ने शपथ ली है जिसमें कांग्रेस से 12 और भाजपा से 13 तीन पार्षदों ने शपथ ली है। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता बेनहू रावतिया अध्यक्ष चुने गए हैं, तो वहीं युवा शांति नगर वार्ड से पार्षद पुरुषोत्तम सल्लूर को सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया है। बता दें पिछले 15 सालों से बीजापुर की गद्दी पर भाजपा काबिज थी, तो वहीं 15 सालों के वनवास को खत्म करने के पीछे बीजापुर विधायक विक्रम शाह मंजावी का किरदार बेहद अहम रहा है। जनता के पास में जाता, जनता ने भारी समर्थन देकर 12 सीट देकर बहुमत के साथ में पालिका चुनाव में हमें बहुमत दिया था और आज अध्यक्ष के रूप में सर्वसम्मति से बनु रावत जी को चुनाव यहाँ पर हुआ है और नगर के वासियों से पूछा जाएगा और उसके बाद उसको पूर्ण किया जाएगा, जैसे नल जल योजना और सड़क पुल पुलिया सब निर्माण किया जाएगा। मैंने सारी समस्याओं को बहुत करीब से देखा है और मैं मानता हूँ कि जो समस्या शांति नगर में वो समस्या पूरे वार्ड में कहीं भी नहीं है, लेकिन जो भी समस्या पूरे 15 वार्ड में होगी मैं अध्यक्ष और हमारे पूरे पार्षद दल के साथ और हमारे माननीय विधायक महोदय के साथ। लोरमी नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल सका है। क्षेत्र में 15 वार्डों की मतगणना के बाद 6 पार्षद कांग्रेस पार्टी के, तो 5 भारतीय जनता पार्टी के, तो वहीं 4 जनता कांग्रेस और छत्तीसगढ़ जे के पार्षद प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई। अध्यक्ष का पद अनारक्षित महिला कोटे से था जिसके लिए गुप्त मतदान की प्रक्रिया होनी है। वंदना सिंह बैस का नाम अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस पार्टी से लगभग तय माना जा रहा है, तो वहीं तीनों पार्टी के नेता नगर पंचायत
में अध्यक्ष बनाने का दावा कर रहे हैं। भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी किरण राकेश दुबे भी लोरमी नगर पंचायत में अध्यक्ष के लिए आश्वस्त नजर आ रही हैं, तो दूसरी ओर जनता कांग्रेस के नेता भी दावा कर रहे हैं कि नगर की सरकार तो जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की ही बनेगी। मैं जो चुनाव हुआ उसमें किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, और चूंकि लोभी नगर पंचायत महिला के लिए आरक्षित सीट है और हमारे यहाँ से 4 महिलाएं जीत कर आई हैं, सभी शिक्षित सशक्त महिलाएं जीत करके आई हैं, और हमारा दावा है कि बाकी पार्टियों के कुछ पार्षद और कुछ जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा तो हमारी पार्टी को वो मदद करेंगे और हम अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब होंगे, ऐसे मुझे आशा है। नगर पंचायत चुनाव भी संपन्न हुआ है, उसमें से सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को आई है। हमको नगर अध्यक्ष बनाने के लिए 8 सीटें चाहिए था और हमारे पास में 6 कांग्रेस के प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं, सारे प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी की रीति नीति के साथ में हमारे साथ में है। 6 तारीख को नगर पंचायत का अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव है और इसके लिए हम लोग ने वार्ड क्रमांक 7 से जो अभी निर्वाचित पार्षद बनी है श्रीमती किरण राकेश दुबे, उनको हम पार्टी की ओर से अधिकृत किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी रूपेश गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत रूपेश, छत्तीसगढ़ के 5 बड़े नगर निगमों की बात की जाए, रायपुर, दुर्ग, धमतरी, रायगढ़, चिरमिरी में कांग्रेस का कब्जा। देखिए सिर्फ 5 नहीं है बल्कि 8 है, और ये मान के चलिए कि 10 के 10 नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा होने जा रहा है। अंबिकापुर और कोरबा की तारीखें अभी बाकी हुई हैं, तो जाहिर तौर पे वहां भी कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। अगर 10 नगर निगम की बात की जाए तो केवल कोरबा नगर निगम एक ऐसा निगम था जहां पे भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के मुकाबले बढ़त मिली थी, लेकिन वहां भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। तो ये अपने आप में सत्ता की ताकत का एहसास करा जाता है कि जिसके पास सत्ता होती है उसके पास कैसे जो दूसरे दल के लोग होते हैं वो खुद ब खुद चले आते हैं, क्योंकि उनको मालूम होता है कि बार बार सरकार के पास जाना होगा, वार्ड के काम कराने हैं, तो सत्ता पक्ष को एक नेचुरल एडवांटेज मिलता है। और इसीलिए आप देखिए कहीं भी, जैसे बेमेतरा का एग्जाम्पल सामने है कि बेमेतरा में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज्यादा जीते थे, लेकिन पूरा का पूरा एक धड़ा कांग्रेस को सपोर्ट कर गया और फिर वहां पे कांग्रेस की सरकार बन गई। तो इस तरीके से देखा जाए, बड़ा दिलचस्प राजनीतिक उठापटक का खेल चला लगातार जब से चुनाव हो रहे हैं, और खासतौर से जो नगर पालिका अध्यक्ष, नगर पंचायत अध्यक्ष और मेयर के इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में 2-3 जगह का जिक्र करना बहुत जरूरी है। रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर, माना यह जाता है कि शहरी वोटर्स पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा प्रभाव है, लेकिन तीनों जगहों पर कांग्रेस की जीत कहीं ना कहीं ये साबित करती है कि इस सरकार से उसकी नाराजगी जनता की नहीं है। जो लोकसभा के रिजल्ट्स थे कहीं ना कहीं वो मोदी इन्फ्लुएंस्ड थे, और जो भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है उसमें मोदी फैक्टर का बड़ा रोल रहा है। लेकिन जहां राज्य सरकार की बात आती है तो राज्य सरकार ने जो काम किए हैं, जो दावा सरकार ने किया है, कम से कम जनता भरोसा कर रही है। अगर दावों पर यकीन भी नहीं कर रही है तो जनता कम से कम उम्मीद कर रही है कि आने वाले वक्त में और बेहतर परिणाम होंगे। ये परिणाम उस वक्त आते हैं जबकि किसानों की समस्याएं हैं, किसान थोड़े से परेशान नजर आते हैं, धान बेचने में उनको दिक्कत आ रही है। पिछले साल के मुकाबले इस साल एक महीने देरी से धान खरीदी की प्रक्रिया शुरू हुई। तो इन सबके बीच में कांग्रेस के लिए राहत की खबर है। अब भूपेश बघेल सीना ठोक करके कह सकते हैं कि जनता ने उनको स्वीकार किया है, उनकी जो नीति है, उनका जो नजरिया है, वो जनता की उम्मीदों पर खरा उतर रहा है। मतलब वक्त दर वक्त जैसा गुजरता जा रहा है, और जो 2018 विधानसभा चुनाव के वक्त जो सिलसिला शुरू हुआ था छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस ने जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी बनाई, अच्छा एक बात और यहाँ पे है, वो स्ट्रैटेजी सफल भी साबित हो रही है, और जो गुटबाजी के लिए जो कांग्रेस जानी जाती थी वो गुटबाजी इन तमाम चुनावों में कहीं दिखी भी नहीं है। देखिए जाहिर तौर पर क्योंकि अब छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, छोटे राज्यों के साथ ये एक क्या कहना चाहिए फिनोमेना होता है कि जो स्टेट लीडरशिप जिसके पास होती है वो सत्ता का केंद्र होता है, राजनीति का केंद्र होता है। हमने अजीत जोगी का एरा देखा है, हमने डॉक्टर रमन सिंह का एरा देखा है कि पूरी राजनीति उन्हीं के इर्द गिर्द होती थी।
अब एरा भूपेश बघेल का है तो इस भूपेश बघेल के एरा में राजनीति उन्हीं के आसपास दिखती है और उसका फायदा पार्टी को होता है। भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में दिग्गज नेता थे, जब डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री बने तो नंद कुमार साय, बृजमोहन अग्रवाल, रमेश बैस जैसे अलग अलग गुट थे और छोटे सेकंड लाइन की जो लीडरशिप है उसमें भी रामविचार नेताम जैसे नेता थे। लेकिन उन सबके बावजूद 15 साल डॉक्टर रमन सिंह ने इस तरीके से साधा, या जो बात मैंने कही कि सत्ता के केंद्र में रहे, राजनीति के केंद्र में रहे, तो ये सारी चीजें डाइल्यूट होती गई और कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ हो रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक चीज और की है कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर एक मैसेज दिया है जो जरूरत महसूस की जा रही है पूरे देश में कि किसानों, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी की चर्चा की जाए, उन पर बात की जाए। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले एक नेता के तौर पर सामने आते हैं, एक ओबीसी के उभरते हुए नेता के तौर पर सामने आते हैं जिनकी पहचान राष्ट्रीय होती जा रही है। और ये कांग्रेस की राजनीति में भी नजर आ रहा है, क्योंकि राजनीति कांग्रेस की जब होती है अलग अलग राज्यों में उसका प्रकटीकरण चुनाव में होता है, चुनाव में जब प्रचार होता है तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर राज्य में बुलाए जाते हैं, हर राज्य में प्रचार करते हैं और पार्टी उम्मीद करती है कि कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक उनकी तरफ आकर्षित होगा। बिल्कुल, ये कहना भी रूपेश गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में जो एक राष्ट्रीय नेता का जो एक वैक्यूम सा आ गया था, और जिस तरह से पीसीसी चीफ बनने के बाद से ही छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल का जो कद लगातार बढ़ा, फिर अजीत जोगी को दरकिनार किया जाता है पार्टी से, उनको निष्कासित किया जाता है, बड़े फैसले लिए जाते हैं और उन्हीं बड़े फैसले के आधार पर प्रचंड बहुमत के साथ 2018 के चुनाव में 65 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी जीतती है। जी हाँ, जाहिर तौर पे, और दो दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता से मेरी बातचीत हो रही थी। ये वो नेता थे जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे और विद्याचरण शुक्ल केंद्र में नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उस वक्त दोनों नेताओं के बीच में समन्वय स्थापित करने का काम करते थे। ये वो नेता थे जिनसे मिलने के लिए मध्य प्रदेश के मंत्री अपॉइंटमेंट लेते थे, इतने पावरफुल हैं। उन्होंने कहा कि ये दमदारी दिखाने का साहस भूपेश बघेल ने किया है जो कि बड़े बड़े नेता वो साहस नहीं कर पाए कि अजीत जोगी को किनारे किया जाए। बड़ी दिलचस्प बात है कि इस बात को बहुत जोर शोर से उठाने वाले पार्टी के अंदर भूपेश बघेल ही थे, जबकि उनकी हैसियत पूरे प्रदेश स्तर पे इतने बड़े नेता की नहीं थी। बिल्कुल, वाकई में बड़े फैसले लेने के लिए जाने भी जाते हैं। अगर रूपेश हम नगरीय, जिस तरह से निगम के चुनाव हुए और इसी सिनेरियो में बात करते हैं, और फिर अगर हम रायपुर नगर निगम की बात करते हैं, तो एजाज घेवर जो न केवल सर्वसम्मति से इनके नाम को आगे लाया गया बल्कि दिल्ली से भी इनके नाम पर मुहर लगती है, ये कैसे, मतलब इनकी कैसे इनका नाम आता है, क्या कुछ इनकी विशेषताएं रहती हैं? देखिए, एजाज ढेबर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भरोसेमंद सिपाही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई पहचान नहीं है और पहली बार इससे पहले का जो पार्षद का चुनाव था वो चुनाव लड़ने गए थे। बड़ा दिलचस्प है स्टोरी भी, वो इससे पहले के चुनाव में एक प्रत्याशी को टिकट दिलाते हैं उस वार्ड से जिस वार्ड से वो आते हैं, वहां पे वो पार्टी हार जाती, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम बहुल इलाके से जीत जाती है। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास वो जाते हैं किसी और की सिफारिश करने के लिए, तो जाज ढेबर को बोलते हैं मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ी में, तय लड़बे का तो के लड़ना है तो बात कर, नहीं तो छोड़, यानी कि तुम्हें लड़ना है तो लड़ो। और वहां से वो पार्षद बनते हैं और दूसरी बार इस 5 साल में कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो कांग्रेस के लिए काफी मददगार रहे, एक ऐसे नेता रहे जिनकी जमीन पे पकड़ है, जिन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, कांग्रेस के प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ सहाय के साथ हमेशा रहे। जाहिर तौर पे ये फैक्टर सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा था कि रायपुर में मेयर कौन बनेगा इसका फैसला मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। एक और मेरा सवाल यह है कि इस जिस ये जो पूरी प्रक्रिया हुई थी, हम लगातार रूपेश से चर्चा कर रहे हैं, हम अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि किस तरह से जिस तरह से छत्तीसगढ़ में
ये जो चुनाव हुए हैं ये बेहद ही दिलचस्प रहे हैं। रूपेश, मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, वोट कास्ट किया गया, फिर आज मतगणना होती है, इस पूरे प्रोसेस से भारतीय जनता पार्टी खुद को अलग रखती है और फिर उसके बाद कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का भी हवाला दिया जाता है, कोर्ट जाने की बात की जाती है और वही एक डायलॉग जो हमेशा, मतलब हर राजनीतिक दल जो भी विपक्ष में होता है उसकी तरफ से आता है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस तरह से चुनाव हो रहे हैं। के उठाए हैं और वो कोर्ट जा रही है, कोर्ट इस पर क्या फैसला करती है, क्या उसका स्टैंड रहता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि पिछले 15 साल में नगरी निकाय चुनाव में भाजपा की ये सबसे करारी हार है। ये हार उस वक्त हो रही है जब भारतीय जनता पार्टी ये आरोप लगा रही है कि पूरे प्रदेश में किसान परेशान है, और उस स्थिति में अगर भूपेश बघेल उन शहरी निकायों में जीत करके आते हैं जिन निकायों में भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोट है, तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतित होना लाजमी है, होना भी चाहिए और उनको सोचना भी चाहिए कि दरअसल जनता उनको बार बार क्यों खारिज कर रही है। जहां पे स्टेट लीडरशिप की बात आती है, जनता उनको खारिज कर रही है, प्रत्याशी चुनने की प्रक्रिया कहां गड़बड़ है, और प्रत्याशी चुनने के बाद किन नेताओं से जनता अभी तक नाराज है, क्या भारतीय जनता पार्टी को सोचने की जरूरत है कि स्टेट लीडरशिप में वो चेहरे बदलने की जरूरत है। ये बात अगर नहीं सोचेगी भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाला समय और मुश्किलों भरा हो सकता है, क्योंकि इस चुनाव से ये साबित हो गया कि शहर में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत है, और अगर उसके बराबरी भी आ रही है तो गांव में तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही कमजोर है। बिल्कुल, बाकी बिना केवल शहरों में कांग्रेस पार्टी मजबूत होती जा रही है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो वो कांग्रेस पार्टी अपनी पकड़ और मजबूती बनाए हुए है। बहरहाल बहुत शुक्रिया रूपेश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो छत्तीसगढ़ के 5 बड़े, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे, न केवल 5